हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टफन ग्लास के बारे में। हम अक्सर सुनते हैं टफन टफन टफन, ये टफन ग्लास क्या होता है, इसके प्राइजेस क्या होते हैं, क्योंकि आजकल टफन ग्लास बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। पहले तो हम इस्तेमाल करते थे इन नॉर्मल ग्लासों का, लेकिन दोस्तों अब ज़्यादा ट्रेंड में जो है वो है टफन ग्लास और है इसके प्राइजेस। फ्रेंड्स, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर, मैं आपको टफन ग्लास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टफन ग्लास बनता किससे है। तो जो ये नॉर्मल ग्लास होता है इसी से टफन ग्लास बनता है, लेकिन इसके बनने का प्रोसीजर कुछ यूं है कि पहले टफन ग्लास को एक हाई टेम्परेचर में एक भट्टी में डाल दिया जाता है और उसे 600 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से उसे गर्म किया जाता है। अब जैसे ही वो 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद उसे फौरन ठंडे करने के लिए ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें बहुत ही तेज़ी से स्ट्रेंथ आ जाता है, एक मजबूती आ जाती है, या ये कह लें नॉर्मल ग्लास से 5 गुना ज़्यादा वज़न हमारे इस टफन ग्लास में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल जो सबसे बड़ा इश्यू है टफन ग्लास के साथ वो है प्राइस के साथ। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसकी प्राइस डबल है, हाई है। जैसे कि अगर हम इसके प्राइस की बात कर लें तो टफन ग्लास हमको मिलेगा 8 mm 120 rupees का, और साथ ही साथ 10 mm आपको मिलेगा 150 rupees का, 12 mm आपको मिलेगा 180 rupees का। लेकिन दोस्तों अगर हम नॉर्मल ग्लास की बात करें तो हमको मिलने वाला है 8 mm 70 rupees का, और 10 mm मिलने वाला है 90 rupees का, और अपने को 12 mm मिलने वाला है 100 rupees का। ठीक है, 70, 90 और 100। लेकिन अगर इसकी बात कर लें तो 120, 150, 180, मतलब काफ़ी ज़्यादा, इससे डबल इसकी प्राइस हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेफ्टी के हिसाब से टफन ग्लास ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज़ का है कि पहले ज़माने के लोग सेफ्टी उतना नहीं था, इसीलिए लोग नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल करते थे। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं हमारे घरों में या फिर हमारे घर के वार्डरोब में, डोर्स में, गेट्स पे, मंदिर में, यहाँ सारे अक्सर हमें टफन ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन आपको जो क्वालिटी मिलेगी उससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला। और एक सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये नॉर्मल ग्लास अगर टूट जाए तो टूट के हमारे हाथों पे गिर जाए, कहीं लग जाए तो हमारे हाथों से फौरन खून निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों टफन ग्लास से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने देखा होगा गाड़ी, फोर व्हीलर, अगर वहाँ पत्थर मार दो ना तो दोस्तों वो टूटेगा नहीं, वो क्रश नहीं होगा, बट वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, टूट जाएगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो टफन ग्लास का सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर और हमारी कंपनी का नाम है जोजोबा किचन एंड फर्नीचर। हम ऑल इंडिया में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स को, साथ ही साथ बंगलों को डिज़ाइन करते हैं 3D के साथ, और आपको एक अच्छा, एक बेहतर, आपको एक बेहतर फर्नीचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी वर्क है, आप सोच रहे हैं फ्लैट लेने की और उसमें इंटीरियर करवाने की, तो हमसे एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, आप हमारे वर्क को देख सकते हैं। थैंक यू।